तो देखिए, इसके पहले आपने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़े थे, जिसमें से आपने N2O पढ़ लिया, NO पढ़ लिया, NO2 पढ़ लिया। आज हम बताने जा रहे हैं N2O3, ठीक है। तो N2O3 इसका नाम लिख लीजिए, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। चलिए, इसमें सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, नाइट्रोजन में कितनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, कैलकुलेट कर लिया। यहां पर आएगा +3, कैसे आएगा, क्लियर है सबको? वैसे आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बता सकते हैं, बाकी आप ये कह सकते हैं, देखिए यहां ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन का -6 हो गया, -6 को उदासीन करने की जिम्मेदारी इधर वाले एरिया की है, आपको एरिया सिलेक्ट करना है। जब आपने इसको देखा तो इस एरिया में 2 नाइट्रोजन है, इस एरिया की जिम्मेदारी थी +6 की, लेकिन इसमें 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, +3, तभी तो +6 आएगा। तो यहां पर आपने इसको क्या रख दिया, +3। अब लिखिए प्रीपरेशन, N2O3 हमें प्रिपेयर करना है। देखो, हम यहां लाते हैं, इसका नाम बताए क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है, N2O4, मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब इससे आपको बनाना है क्या, N2O3। चलिए बैलेंस करिए, देखिए यदि हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन 2 यहां, 2 यहां, 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और 4 × 6। जो N2O3 है इसकी थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी बता देते हैं, यह किस रंग की होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है, सॉलिड होती है, साथ में इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, ठीक, नोट कर लो। अब हम इसका क्या पढ़ना चाहिए, स्ट्रक्चर, तो N2O3 का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम सबसे पहले यहां रखेंगे N, और एक N यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन हम यहां रख दें और एक ऑक्सीजन यहां रख दें, ठीक है। मैं पहले लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाकर समझा देता हूं। हमने जब इसके पहले पढ़ा था, पिछले साल आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लिस्ट सिंबल बनाते थे, लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे। ऑक्सीजन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। इसको ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन, ये शब्दों को समझने में लिखा ही नहीं, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो दूसरी ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। 6 होते हैं बाह्य कोष में, 2 की आवश्यकता है, 2 ही दिखा देगा। तो यहां पर दिखाने का मतलब 2 का साझा करेगा, तो साझा तभी होता है ना जब 2 ये भी देगा, 2 दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। कितने बचे इसके, 2 और ये 4, टोटल 4 बचे, 2 इधर साझा के लिए उसने रख दिया। नाइट्रोजन के बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 3 की आवश्यकता है, तो जिसको जितने की आवश्यकता है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, नाइट्रोजन 3 का साझा कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन को यह पता चला कि ये वाला ऑक्सीजन मेरी ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बदले में से 3 में से 2 इधर दिखा देगा। अब साझा वाले इलेक्ट्रॉन इसके कितने बचे, 1 बचा, 1 इधर कोई एटम इसको दिख नहीं रहा, इधर कोई दिख नहीं रहा, तो 1 का साझा करना, तो इसको तो ये क्लियर हो रहा है कि जो भी मुझसे साझा करेगा इधर वाला ही
कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस साइड दिखा दिया। अब हम बात करते इसी तरह इस ऑक्सीजन की, किनारे वाले एटम को पहले हमको रखना चाहिए, प्रयास करना है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा इसकी ओर, दो इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इसके कितने बचे, चार। तो दो दो चार। नाइट्रोजन को पता चला कि ऑक्सीजन मेरी ओर दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो उसके बदले में ये भी उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, मतलब साझा दो का ये भी करेगा, साझे वाली जगह में दो इलेक्ट्रॉन ये भी रख देगा। अब नाइट्रोजन कितने का साझा कर सकता है, तीन का, तीन का कर सकता, तीन में से दो का साझा इसने इधर कर लिया, एक और बचा। जब इसने इस साइड देखा कि इसने मेरी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, तो यह इसकी ओर भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, एक, और एक साझा वाला इलेक्ट्रॉन इसका बचा भी है, तो यहां पर आपने इसको ऐसे रख दिया। अब इनका क्या करना, सर्किल कंप्लीट करना है और टोटल आठ करने। नाइट्रोजन में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन बचे जो साझा करने वाले नहीं है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, होते बाह्य कोष में पांच है, पांच में से तीन का इन्होंने साझा कर लिया, दो इधर एक इधर, बचे कितने, दो बचे, तो दो यहां रख सकते हैं। इसी तरह इस नाइट्रोजन में तीन साझा हो सकते हैं, तीन का साझा कर लिया और उसने रख दिया भाई हम साझा कर लेंगे, दो इसके पास बचे। यहां से देखो ये क्या करता है, इस तरह सर्किल कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, यहां पर ये ऑक्सीजन के पास कितने हो गए सर्किल में। सर्किल जो मैं बना रहा हूं उसको इसी तरह बनाना है, ऐसा नहीं कि आपने जल्दी से ऐसे कर दिया ये हो गया, गलत है, ऐसा नहीं करना है। किस तरह सर्किल बनाना है, जिसने हमको इलेक्ट्रॉन देने का प्रॉमिस किया है पहले उसके इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किल में लाना है। शायद मैंने उस दिन बताया था कि यदि हमें किसी से कोई पैसे की आवश्यकता है, उधारी की आवश्यकता है, 5-6 हजार रुपए हमें किसी से चाहिए, और उसने कह दिया कि ठीक है आज शाम तक ले लीजिएगा, तो शाम को उसके यहां पहुंच ही जाइए, क्योंकि यदि आप सवेरे जाते हैं तो रात भर का समय उसके विचार के बदलने में लग जाएगा। आपका दोस्त वहां पहुंचेगा कि अगर उसको दे रहे हो तो मुंह वाले पैसा पहले नहीं वापस किए, उसको ना देना, बदल गया ना। इसलिए जिसने हमको प्रॉमिस किया था उसको पहले हमें क्या करना, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना है। इसने वादा किया इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से लेते हुए और अपने गांव से पूरे परिक्रमा करते हुए, देखो इधर से परिक्रमा करते हुए। अब इसी तरह नाइट्रोजन ने किया कि नाइट्रोजन को किसने किसने प्रॉमिस किया था, ऑक्सीजन ने प्रॉमिस किया कि मैं साझा करूंगा, इस नाइट्रोजन ने प्रॉमिस किया तो क्या करेगा, पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मिलाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन और ये सर्किल इसका कंप्लीट हो गया। इस तरह ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को और ये नाइट्रोजन इसके भी तो इलेक्ट्रॉन को लाएगा, ये सर्किल ऐसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आप अपना सर्कल गोला जैसे बना सकते हो, मैं समझाने में ऐसा, ठीक है, आपने इस तरह बना दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो अभी दो ही ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन कहां गया, तो चलो भाई अब इसको समझते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बाद में एक चला आया, दौड़ा दौड़ा चला आया, कौन सा, मुझको भी लिया, चलो याद है ऑटो में जाने वाला ना, हाँ, तो जब एक बाद में चलाता कहते मुझको भी लिवा चलो, तो ऐसी स्थिति में उस ऑक्सीजन को क्या कहा जाएगा, टंग जाओ। तो हम उस ऑक्सीजन को टंगा देते हैं, देखते हैं कैसे, टंगने की दो कंडीशन है, दो ऑटो एक साथ जा रहे तो कहते चाहे इसमें जाओ चाहे दोनों में टंगना पड़ेगा, तो इससे अच्छा चाहे इसमें टंगा दे चाहे इसमें टंगा दे, ठीक है, क्योंकि यहां एक ऑक्सीजन आप लाते हैं, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, दो इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन इसको यहां से लेना है ना, इसलिए ये वाली जगह खाली रखेंगे, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, छह। अब ये क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऐसे सर्किल कंप्लीट कर लेता, अर्थात ये टंग गया, यही हुआ ना। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह है तो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है, वहां क्या नहीं टंगा देते हैं, इसी के साथ ही क्यों टंगाते हैं, सोच रहे हो कैसा, लेकिन ध्यान देना जितने भी यहां पर कंपाउंड्स हैं, तो पहले कंपाउंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बनता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब परऑक्साइड वाले,
ठीक है, तो प्रयास करना है, कभी हमें ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ना है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ तभी जब उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, तब जुड़ेगा। अभी उसके पास विकल्प है ना नाइट्रोजन से जुड़ने का, यदि यहां कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन न होते तब जाकर के वो कहां जुड़ता, ऑक्सीजन में। ये बात क्लियर है? तो पहले हमें ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ना है। तो आपने इसको ऐसे बनाया। अब मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं एन, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बेटा, सिंगल बॉन्ड, यहां कौन सा बॉन्ड है। अब मैं देखो इसको ऐसे बना देता हूं जो वास्तविक संरचना होती इसकी। ये वाला जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है बता सकते हो? इस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या, जिस समय हम टंगा देते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड का मतलब होता है इस बॉन्ड में केवल एक एटम ने ही योगदान किया है, इसके साझा में ये वाले ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं खर्च कर रहा। नाइट्रोजन ने मना भी कर दिया ना कि तुम भी लाओगे मेरे भी दो, टोटल मिलकर ज्यादा हो जाएंगे, हमको तो ऑक्टेट रखना है ना, इसलिए तुम अपने वाले रखे रहो, मैं ये इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करता है, एक ही एटम डोनेट करता है, दूसरा सिर्फ ग्रहण करता है। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो डोनेट करता है उसको डोनर एटम कहा जाता है, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टर मतलब ग्राही, डोनर मतलब दाता। तो दाता से ग्राही की ओर, दाता से ग्राही की ओर ये तीर बनाते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ये हुआ आपका डबल बॉन्डो, और यहां अभी लोन पेयर ये बचा हुआ रख, मैंने इसको इस तरह रख दिया, यहां स्ट्रेट रखा था सीधे, और वास्तविक ऐसी संरचना इसकी रखे। हाँ, इस डबल बॉन्ड को इधर भी रख सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने इतना रखा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने आपको क्या कहा है कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ इसके इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कितने हैं, दो दो चार, यहां यहां कितने हैं, दो दो चार दो छह। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज नहीं करेंगे। तो यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, एन, सिंगल बॉन्ड एन, यहां रखेंगे डबल बॉन्ड ओ, और यहां रखेंगे डबल बॉन्ड ओ। चलिए बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह क्या बनाया जाता है, याद है कल का? सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं और जो टेल होती वहां और जो हेड होती वहां माइनस, ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, ये नाइट्रिक नाइट्रोजन ट्राई यानी डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, रेजोनेंस। तो लिखो यहां रेजोनेंस इन एन टू ओ थ्री, एन टू ओ थ्री में रेजोनेंस कैसे करेंगे? तो देखो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना, हाँ इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये लिख लेना बेटा, यहां कितने, चार है ना। चलिए एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, यहां लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड ओ ओ, इसमें कौन सा चार्ज माइनस है और यहां पर प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें बताइए। अच्छा इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का तरीका बता दे, डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हो, वहां देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात 15th ग्रुप से लोन पेयर शुरू होता है, 15th ग्रुप के पहले इस तरह के लोन पेयर होते ही नहीं है। आपका ये ऑक्सीजन किस ग्रुप में आता है, 16th ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आए 15th के बाद का सिस्टम क्या है, उसके चारों तरफ आप पहले बॉन्ड गिनिए, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और आठ तक पहुंचाना है किसी तरह से, जितने घटे उतने रख दीजिए बस होगा, देखिएगा। इसके चारों तरफ देखते दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में और दो ये हो गए, मतलब ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को महसूस कर रहा है, चार इलेक्ट्रॉन, इसको चार और चाहिए ना, चार और रख दीजिए बस हो गए, वही तो रखे वहां, ये देखिए इस तरह डायरेक्ट भी रख सकते हो। अब इसका क्या करना है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। बता सकते हो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाया जाएगा, इस बार डबल बॉन्ड यहां है ना, अब क्या होगा, डबल बॉन्ड इसमें बना दें
इस तरह का ऑक्सीजन इसको माइनस वाला इसे बना दे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां हो गया और ओ में माइनस लगा दिया, यहां प्लस लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करके रखो यहां कितने होना चाहिए। डबल बॉन्ड है, एक लाइन में दो इलेक्ट्रॉन, दो लाइन है चार इलेक्ट्रॉन हो गए। आठ तक पहुंचने के लिए कितने की आवश्यकता, चार, एक दो तीन चार। इसमें कितना है, एक लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन में मतलब दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने और चाहिए, छह, एक दो तीन चार पांच छह। प्रयास करिए जोड़े में रखा करें इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए चार इलेक्ट्रॉन है और कितने चाहिए, आठ तक बनाने के लिए, एक दो तीन चार हो गए। ये इसके हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।